आज ये मसाला रोटी है, इसमें थोड़ा लहसुन वगैरह मिला हुआ है, और ये करेले की कलौंजी है, करेला, इसमें प्याज है, मिर्ची है, लहसुन, अदरक, राई, मसाला, और ये कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में बनाया हूँ, और ये इसके साथ में तूर दाल। ये तूर दाल जो है इसमें राई का तड़का लगा हुआ है, इसमें भी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बहुत कुछ है इसमें, मिर्ची, और ये नमक है, और ये अचार है। देसी करेला गाँव का होता है, वो है, और तूर दाल। रोटी के बाद चावल आएगा, घर का साफ सुथरा हाइजीनिक खाना, तो मजा आ जाता है। ये अरहर की दाल और ये चावल इंद्राणी, बहुत ही पुराना चावल, 2-3 साल रखा हुआ। ये चावल की खासियत ये है इंद्राणी चावल की, कि ये घी जैसे छोड़ता है, जब आप चावल दाल के साथ खाओगे, ये करेले की कलौंजी है, दाल चावल के साथ खाओगे तो ये घिया घिया टेस्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि ऊपर से किसी ने घी डाल दिया हो। इंद्राणी चावल आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, अगर खाया नहीं है तो, और ये सस्ता मिलता है, 60 रुपये के आसपास मिल जाता है, कहीं 70 रुपये मिलता है तो। और इसकी जो खासियत है वो इसका देसी जो देसी टेस्ट है वो है।